आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम ऑथेंटिक ट्रेडिशनल बहुत सारे वेजिटेबल्स से लोडेड साउथ इंडियन स्टाइल सांभर की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक बनने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून के करीब तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। 1/2 टीस्पून राई ऐड कर देंगे और क्रैकल हो जाने देंगे। थोड़ी सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर देंगे। थोड़े करी पत्ता ऐड कर देंगे। 1 चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। ये सारी वेजिटेबल्स हम इस सांभर में इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इस तरीके से लंबा चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। ये सारे वेजिटेबल्स इस सांभर के स्वाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब तक प्याज सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता इसे भून लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से भूनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इस तरीके से चॉप किया हुआ एक टमाटर ऐड कर देंगे। नॉर्मल सांभर तो आप ज़रूर से ट्राई किए होंगे, एक बार इस तरीके से ट्रेडिशनल ऑथेंटिक सांभर को ज़रूर से ट्राई दे, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। टमाटर 2-3 मिनट हम इसे कुक कर लेंगे, जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट होकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक इस तरीके से चॉप किया हुआ गाजर ऐड कर दूंगी। 1/2 चॉप की हुई लौकी ऐड कर देंगे। 1 चॉप किया हुआ आलू ऐड कर देंगे। थोड़े चॉप किए हुए ड्रमस्टिक यानी कि सरगवा ऐड कर देंगे। सरगवा से इस सांभर का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। साउथ इंडियन स्टाइल सांभर में सरगवा ज़रूर से ऐड होता है, तो आप इसे ऐड करना ना भूलें। सभी को थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर सॉटे कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सांभर मसाला ऐड कर देंगे। सांभर मसाला आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स दे देंगे। आप इसे किसी भी साउथ इंडियन रेसिपीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। इडली, मेदू वड़ा, उत्तपम, डोसा, ये इस सभी रेसिपीज़ के स्वाद को 2 गुना बढ़ा देगा। सभी चीज़ें हमने मिक्स कर दी है। अब मैं यहाँ पर 1 बाउल के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। सभी को मिक्स दे देंगे। अब हम इसे ढक कर कम से कम 6-7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। बीच बीच में चलाते रहें। छः से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट कुक होकर रेडी है। सभी को अच्छे से एक बार मिक्स दे देंगे। अब मैं यहाँ पर इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। इमली को अच्छे से वॉश करके उसे आधे घंटे गर्म पानी में सोख होने के लिए रख दे, उसे मैश करके छान ले। इमली का पल्प हमारा निकल कर रेडी हो जाएगा। इससे सांभर का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। 1 से 1.5 ग्लास मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। आप कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी ऐड करें। प्रिपेयर की हुई दाल ऐड करेंगे। दाल बनाने के लिए 1 बाउल के करीब दाल को 1 घंटे मैंने सोख करके रखा था। यहाँ पर मैंने तुअर की दाल ली है।
थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। दाल डूब जाए उतना पानी ऐड कर देंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। कुकर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, दाल हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। अभी दाल मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से इस तरीके से मथ लेंगे ताकि दाल हमारी थोड़ी स्मूथ हो जाए। प्रिपेयर की हुई दाल को पैन में ऐड कर देंगे। एक बार इस स्टाइल में साउथ इंडियन सांभर को आप ज़रूर से ट्राई दें, ट्रस्ट मी आपको ये बहुत पसंद आएगा। आपको ये इतना पसंद आएगा, इसे आप बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। अब हम इसे ढककर कम से कम 10 से 12 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे, बीच बीच में चलाते रहे। सांभर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। जितना टेम्पटिंग ये दिख रहा है उतना ही स्वादिष्ट ये बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और धनिया पत्ती से गार्निश करके आप अपने कोई भी चॉइस की साउथ इंडियन रेसिपी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कर ले। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई दें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।